तकरीबन 5 दिन की छुट्टी के बाद कृषि उपज मंडी फिर शुक्रवार से खुली। किसान अपनी फसल लेकर 2 दिन से यहां इंतजार कर रहे थे। मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य होने के बाद पुरानी मंडी बरेपुरा में तुलाई का काम हो रहा है, जिससे किसानों को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि चने के दाम अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन गेहूं के दाम में अभी भी अंतर है। मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और इन व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। मेरा ललित शर्मा है। क्या लाए हैं आप? चना लाए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ देखने को मिल रही है और क्या भीड़ पड़ रही है? मंडी में भीड़ बहुत है, छुट्टियों के कारण किसान परेशान है बहुत। और क्या, दो दो तीन दिन की छुट्टी हो रही है, अभी पाँच छः दिन में खुली मंडी, और अब 2 दिन की फिर छुट्टी हो जाएगी, 1 तारीख हुई, 15 तारीख को फिर छुट्टी लग जाएंगी। मतलब इसी टाइम पर त्यौहार, शादियों का त्यौहार, और ये त्यौहार शादी चल रही है और त्यौहारों के कारण छुट्टियाँ, इससे किसान बहुत परेशान है। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में किसानों को? किसान के जीवन में तो परेशानी परेशानी है, पहले खेती में परेशान हो, फिर जहाँ पे आकर फिर परेशान हो। और क्या भाव मिल रहा है आप लोगों को? भाव तो खैर ठीक है। अच्छा, भाव ठीक है। क्या लेकर आए थे आप? ये चने हैं। क्या भाव मिला? अच्छा मिला, 5800 रुपये के। सही गया। हाँ ठीक है, चने रेट तो अच्छे हैं। यहाँ की व्यवस्था व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है, वर्तमान यहाँ पे मंडी में व्यवस्थाएँ गड़बड़ है। पहला परिहार जी कहाँ से आए? खामगढ़ आए। अच्छा, क्या लेकर आए थे आप? चने की ट्राली। क्या भाव गई? चने की ट्राली गई अपनी 58। अच्छी गई है? हाँ ठीक गई। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद मंडी खोली है। हाँ, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था गड़बड़ है थोड़ी सी, क्या है भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और यहाँ पर तलाई में भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे एक कांटे चला रहे हैं, तो उसमें ट्रालियाँ बहुत खरीदी इन लोगों ने, तो तलाई में दिक्कत आ रही है। पुरानी मंडी लेकर आते हो वहाँ से? हाँ, जिस मंडी में लेकर आते वहाँ पर मंडी होती है। हाँ, मिर्जापुर डाक वहाँ पर होती है और तलाई यहाँ पर होती है। अच्छा, कितनी आवक होगी लगभग आज के दिन अगर देखी जाए तो? आवक तो मंडी पूरी है, फुल थी मंडी, फुल मंडी। हाँ, पैक थी पूरी मंडी। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? रायसेन ग्राम आलमखेड़ा मंडी। गेहूँ कैसे, क्या भाव मिल रहा है आप लोगों? भाव बढ़िया चल रहा है, अभी तो ठीक चल रहा है, 15-44 का अच्छा है, मीडियम, और जो मिल क्वालिटी है वो मीडियम जा रही है। और क्या क्या समस्या आ रही है? मंडी में कुछ समस्या नहीं है, बढ़िया रेट चल रहा है और साधारण रूप से नीलामी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। किसान अब सुचित रूप से अपनी ट्रालियाँ लगा रहे हैं और आराम से डांक हो रही है और उनको उचित भाव मिल रहा है। मेरे का है, शायद कल से आया हूँ मैं, कल से ट्रायल लगी थी, अभी आया हूँ मैं। और खाने पीने की कोई पानी पानी पीने की कोई? हाँ, सब सुविधा है सरकारी, यहाँ पे ठंडा पानी, जल के लिए नल लगे हुए हैं, खाने के लिए पर्ची पे आप भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर